डियर चिल्ड्रेंस, मारवाड़ी इंटरमीडिएट महाविद्यालय रांची, आप सबों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस मारवाड़ी कॉलेज में आपने जो नामांकन कराया है इंटरमीडिएट कॉमर्स विभाग में, आईकॉम में, मैं उन तमाम छात्रों को अभिनंदन करता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं। मारवाड़ी कॉलेज पूरे देश में जाना माना कॉलेज है और इसका एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लेने का काम किया, और उससे भी ज़्यादा सौभाग्य है कि हम लोगों ने आप लोगों के जैसे छात्रों को अपने यहाँ लेने का और अपने यहाँ पढ़ाने का काम किया है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस नए कॉलेज में आने का, और आप लोग से मेरा यही निवेदन है कि छात्रों का कोई धर्म नहीं होता और ना ही कोई जाति होती है। आप लोग का धर्म है पढ़ना और शिक्षकों का धर्म होता है पढ़ाना। आप लोग जितने बढ़िया से पढ़ेंगे, जितना मन लगा के पढ़ेंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे, मुझे उम्मीद है कि हम लोग भी उतना ही ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को पढ़ाने का काम करेंगे और बताने का कार्य करेंगे, और जिससे आप लोगों का ज्ञानवर्धन अत्यधिक हो सके ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। तो आज के क्लास में मैं आप सबों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। मेरा नाम डॉक्टर आफताब जमील हुआ और मैं वाणिज्य का शिक्षक हूं, और जो मुझे पढ़ाने के लिए कॉलेज में की ओर से या कॉलेज प्रबंधन की ओर से जो मुझे आदेश होगा, मैं वही सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया करूंगा। तो आज के क्लास में आप लोगों का जो क्लास है वो मैं व्यावसायिक अध्ययन के रूप में लूंगा, और व्यावसायिक अध्ययन जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे छात्रों को जानकारी नहीं होगी, आप लोग नए नए आए हैं, उसमें आप लोगों का ये व्यावसायिक अध्ययन जो है यह कंपलसरी पेपर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है ये। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। व्यवसायिक अध्ययन पुस्तक का नाम नहीं, यह केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि व्यवसायिक अध्ययन को अंग्रेजी में बिजनेस स्टडी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम में ही है, बिजनेस स्टडी यानी व्यवसायिक अध्ययन। तो सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि व्यवसायिक अध्ययन है क्या। मैं उन तमाम 11वीं के छात्रों को यह बताना चाहूंगा जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिया है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और इसमें जितने भी चैप्टर होंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, कृपया इस पर ध्यान देंगे
आप लोग एक फेयर कॉपी बना लेंगे जो हम लोग पढ़ाते हैं, या जो भी आपको हम लोग नोट कराते हैं, उन तमाम बातों को उन फेयर कॉपियों में लिखने का प्रयास करेंगे। और उस फेयर कॉपी को यदि आप लोग हम लोग ने जैसा नोट्स बनाया है, जैसा नोट्स पढ़ाते हैं, चूंकि डिफरेंट बुक से पढ़ाया जाता है, कोई एक ही बुक से हम लोग पढ़ाते नहीं हैं, इसलिए आप लोगों को इस पर विशेष ध्यान देनी होगी। अगर आप लोग इसको ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा कि सर ने कौन से बुक से पढ़ाया है और कहाँ से पढ़ाया है। तो आप लोगों को उसमें नहीं जाना है, बल्कि इसमें जाना है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और इसको कैसे नोट्स किया जाए। इन तमाम बातों को नोट करिए फेयर कॉपी में और उसका अवलोकन कीजिए, उसको फिर किताब निकाल करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी और किसी भी ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी जगह में जाकर के आप लोगों को अलग से ट्यूशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। इसलिए आप लोग यह जान लीजिए कि कोई भी किताब जब आप पढ़ते हैं, कोई भी बुक जब आप लेते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट, उसका कोई मकसद होता है, उसका कोई मानी होता है। सबसे पहले यह जान लीजिए जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जैसे अकाउंटेंसी हुआ, बिजनेस स्टडी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, या आपका इंटरप्रेन्योरशिप हुआ, या फिर बिजनेस मैथ हुआ, तो इन तमाम बातों को आप लोग पहले जानने का प्रयास कीजिए कि ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है। बिजनेस स्टडी के बारे में या उसके संदर्भ में जानने का प्रयास कीजिए कि यह है क्या, क्यों पढ़ाई पढ़ी जाती है। बिजनेस स्टडी यानी व्यवसायिक अध्ययन, हम जब कोई जीविकोपार्जन चलाने के लिए जब कोई व्यवसाय या व्यापार करते हैं, यह पूरी तरह से वाणिज्य पर आधारित है। हम जब कोई वाणिज्य के क्षेत्र में जब कदम रखते हैं, व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, तो ऐसे समय में बहुत सारी भ्रांतियां हमारे सामने आती हैं, बहुत सारी बातें हमको कठिनाई उत्पन्न होती है और हमें जानने का प्रयास करना पड़ता है कि वह है क्या, कैसे होगा क्या। तो नटशेल में हम यह कह सकते हैं कि व्यवसायिक अध्ययन एक ऐसा अध्ययन है, एक ऐसी शिक्षा है, एक ऐसा ज्ञान है जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि कौन सा व्यापार करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किस समय में करना है, कितनी पूंजी लगेगी, कितना उसका लागत आएगा, उसका आउटपुट क्या है, उसका इनपुट क्या है, कौन से जोखिम आएंगे उसमें, इन तमाम बातों की जानकारियां हमें व्यवसायिक अध्ययन से प्राप्त होती हैं। क्योंकि व्यवसायिक अध्ययन, व्यापार या व्यवसाय करने के पहले जब आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं रोजगार करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए या जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए आपको कोई ना कोई रोजगार करना पड़ता है, और रोजगार करिएगा तब उससे आमदनी होगी, तब आपका परिवार चलेगा। तो व्यवसाय और व्यापार जो है यह मान के की जाती है कि हमें उसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं है जो ये मान के चलता है कि नहीं हम व्यापार करेंगे और हमको घाटा हो जाए उसमें, या उसमें हानि का हमको सामना करना पड़े। ये बात है कि जब भी कोई व्यापार या व्यवसाय किया जाता है तो यह मान के चली जाती है कि हमको उसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, हम ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सकें, और हानि जितना कम हो सके, जितना कम उसमें जोखिम हो, हम वही काम करेंगे। तो उसके लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, हमें सहारा लेनी पड़ती है व्यवसायिक अध्ययन का। और व्यवसायिक अध्ययन एक ऐसा अध्ययन है जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि कौन सा व्यापार करना है, कहाँ पर करना है, कैसे करना है, कितनी लागत आएगी, उसमें पूंजी कितना व्यय होगा, और उसका जोखिम कितना है, उसमें हानि कितनी होगी, उसमें लाभ कितना होगा। इन तमाम बातों की जानकारियां
कैसे उसको हम लोग चलाएंगे, उसका प्रबंधन किस प्रकार से होगा, उसके प्रबंधन में कौन से लोगों को रखना होगा, उसमें पार्टनर किन को बनाया जाना चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारियां जो हमें प्राप्त होती हैं वो प्राप्त होती हैं किससे, व्यवसायिक अध्ययन से। तो बच्चों यह 11वीं में आप लोगों ने जो नामांकन लिया है इसमें सबसे पहला आप लोग ये ध्यान जान लीजिए कि यह सबसे मेन सब्जेक्ट है और इसमें आप लोगों को कंपलसरी पेपर है, यह इसको पढ़ना अनिवार्य है तमाम छात्रों को जो वाणिज्य में 11 में अपना एडमिशन लेने का काम किए हैं। इसलिए आप लोगों को यह जानकारी ले लेनी होगी और आप लोग जहां से भी चाहें जो बुक भी चाहें आप लोग उस बुक को खरीद सकते हैं, कोई उसमें जरूरी नहीं है। मारवाड़ी कॉलेज में किसी प्रकार की कोई ये नहीं की जाती है कि आप कौन सा बुक लें और किस राइटर का बुक लें और उसी राइटर का आपको पढ़ना होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जो बुक है आपके पास जैसा भी है आप लोग उस बुक को ले लें और उसे पढ़ने का प्रयास करें। बाकी कॉलेज के जो क्लासेस होते हैं उन क्लासेस में आपको इतना सुविधा है कि आपको जो पढ़ाएंगे आप लोग उसको अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आप लोगों को कभी भी कोई कठिनाई नहीं होगी और किसी भी टीचर या किसी भी ट्यूशन के पीछे आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो व्यवसायिक अध्ययन में हम लोगों ने आज जाना है कि व्यवसायिक अध्ययन है क्या। यह एक प्रकार का ज्ञान है, एक प्रकार का कला है, जो कला के माध्यम से हमको यह पता चलता है कि व्यापार या व्यवसाय के क्षेत्र में हमें किन किन सावधानियों को बरतनी होगी और किन किन सावधानियों को बरतने से हमें यह माने चलेगा कि हम किस प्रकार से व्यवसाय कर रहे हैं और कौन सा व्यापार करने जा रहे हैं, कौन से व्यापार या व्यवसाय को हम स्थापित करेंगे जिसमें हमें लाभ अत्यधिक लाभ अर्जित होगी और हानि या जोखिम जितना कम से कम हो सकेगा। क्योंकि व्यापार में बिना जाने बूझे अगर आप कोई भी व्यवसाय कर लेते हैं और पूंजी लगा देते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वह व्यापार आपका चल पड़ेगा, और बिना जानकारी के आप व्यापार या व्यवसाय में आप हाथ लगा दिए उससे निश्चित रूप से आपको उसमें हानि हो जाएगी, उसमें जोखिम उठाना पड़ेगा और आप बर्बाद हो जाइएगा। तो व्यवसायिक अध्ययन इसी के लिए पढ़ाई जाती है कि किसी प्रकार से व्यवसायिक अध्ययन इसी पर लिए पढ़ाई जाती है कि किस प्रकार से कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अपने कार्य को आसानी पूर्वक कर सकते हैं और उसमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो व्यापार या व्यवसाय जो भी हम या इंडस्ट्री चलाने जा रहे हैं उसमें हमें क्या क्या कार्रवाई करनी होगी, इसकी तमाम जानकारियां हमें व्यवसायिक अध्ययन से ही प्राप्त होती है। तो बच्चों आज हम लोगों का जो क्लास है आज 11 का क्लास स्टार्ट हो गया। मेरे ओर से भी मैं आपके पक्ष आपके सामने हम हर दिन उपस्थित रहूंगा और आप लोगों को जो जानकारी नहीं मिलेगी, जो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं होती है, क्लास कॉलेज नहीं खुलता है, तब तक आप लोग ऑनलाइन में क्लास करेंगे और हमसे जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा या जो बातें समझ में नहीं आएगी चाहे वो जिस सब्जेक्ट में भी हो आप हमसे पूछने का प्रयास करेंगे, मैं आपको निश्चित रूप से बताने का काम करूंगा। आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। इतना ही, धन्यवाद।